हाथ जोड़कर दरखास्त करना चाहता हूं कि आप इस आने वाले इस तारीख के इलेक्शन के अंदर मिल्लत के साथ इंसाफ कीजिए। सबसे बड़े हाईकमांड अगर कोई है तो मेरे मुसलमान भाई हैं, आप लोग हैं, आपके इजाजत के लिए मैं यहाँ पर आया। कांग्रेस वाले मुसलसिल तौर पर नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते हैं, झूठे इल्जाम लगाते हैं। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय बाकर्स पब्लिक स्कूल गुलबर्गा। योर किड्स डिजर्व द बेस्ट एजुकेशन। इंटरैक्टिव एंड एंगेजिंग एक्टिविटीज, होलिस्टिक टीचिंग एंड लर्निंग। 2023 एडमिशन आर इन प्रोग्रेस, नर्सरी टू ग्रेड 9। एड्रेस बिहाइंड KNZ गार्डन फंक्शन हॉल, रिंग रोड, गुलबर्गा। रहमतुल्लाहि बरकातहु। मैं आपसे ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बिल्कुल कम वक्त में आपके बीच में आपका बेटा, आपका भाई आपसे अपील करने के लिए आया। आज जो मामलात कर्नाटका में, हिंदुस्तान में चल रहे हैं, उससे बखूबी आप लोग वाकिफ हैं। जिस तरीके से दुश्मनान इस्लाम फासिस्ट ताकतें मुसलमानों को हिंदुस्तान में कमज़ोर साबित करने की मुसलसिल कोशिश कर रही हैं, जिस तरीके से कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी की यह हुकूमत मुसलमानों के खिलाफ आए दिन साजिशें कर रही हैं, हमारे इबादत घरों तक वो लोग पहुंच गए हैं, हमारी बच्चियों के लिबास तक पहुंच गए हैं, हमारे 4% रिजर्वेशन तक पहुंच गए हैं, आज कर्नाटक के अंदर मॉब लिंचिंग का मामला भी शुरू हो रहा है, ईद हमको मनाने में दिक्कत हो रही है, ये सारे मामला एक तरफ हैं। और मैं आपसे ये बिल्कुल खुले तौर पर ये कहना चाहता हूं कि मैं सियासत में हूं मिल्लत के लिए आवाज़ उठाने के लिए हूं, मिल्लत के लिए लड़ने के लिए हूं। आज मुसलसिल तौर पर जो भी मामला गुलबर्गा के अंदर आप देख सकते हैं, NRC से लेकर अनंत का मामला, हर मामले में मैं आगे बढ़ करके लड़ रहा हूं, आपके लिए कोशिश कर रहा हूं, एक तड़प को लेकर के, मिल्लत फिक्र को लेकर के आगे बढ़ रहा हूं। आज ये इलेक्शन आया है, दो इलेक्शन शिकस्त होने के बावजूद खड़ा होना और मिल्लत के लिए लड़ना, ये मैं समझता हूं कि ये कोई मामूली बात नहीं है। उसके बावजूद मैं आपके लिए आगे बढ़ रहा हूं और लड़ रहा हूं। हर मामले के अंदर जब भी ये बेचैनी पाई जाती है कि ये देखिए यहाँ पर कोई हमारे लिए लड़ने वाला नहीं है, कोविड के अंदर आप देख सकते हैं जिस तरीके से 5,000 से ज़ायद रमज़ान के महीने के अंदर जो गाड़ियां पकड़े गए वो भी आप देख सकते हैं। आज मैं आपके बीच में आया हूं आपसे इजाज़त लेने के लिए, आपसे दुआओं के तलब करने के लिए। कांग्रेस वाले मुसलसिल तौर पर नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते आए हैं, झूठे इल्जाम लगाते हैं। बेशक ये मुझे बड़ी खुशी की बात है, फख्र की बात है कि मुसलमान गुलबर्गा शहर के अंदर नासिर हुसैन उस्ताद से बहुत उम्मीद रखता है। मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, मैंने सियासी जिंदगी में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। मुझे इख्तदार अगर चाहिए होता तो शायद KJP के बाद मैं BJP के अंदर चला जाता और इख्तदार मिलता, कांग्रेस के अंदर रहता और कांग्रेस के अंदर चमचागिरी करता तो मुझे इख्तदार मिलता। मगर मैं आपके बीच में, मेरे गॉडफादर, मेरे सबसे बड़े हाईकमांड अगर कोई है तो मेरे मुसलमान भाई हैं, आप लोग हैं, आपके इजाजत के लिए मैं यहां पर आया हूं। मेरा साथ दीजिए जब तक जिंदा हूं इन मिल्ली दुश्मनों के खिलाफ, आंख में आंख मिला करके आपका ये भाई मैं जो है सवाल पूछने की हिम्मत रखूंगा। असेंबली के अंदर भी बहुत सारे बातें ऐसे हो रहे हैं जिसको जवाब देना जरूरी है, कनाडा में बात होना जरूरी है, अड़न के अंदर मामला जिक्र होता है, 3 दिन के बाद हमारे मुस्लिम खाईजिन को समझ में आता है, उसका जवाब देना है। मैं कनाडा भी अच्छे से जानता हूँ और कनाडा में भी ऑन द स्पॉट जवाब देने की ताकत रखता हूँ। इंग्लिश चैनल्स, बड़े बड़े इंग्लिश चैनल्स के अंदर भी अल्लाह का फजल व करम है, मुझे बुलाया जाता है और बड़े बड़े TV एंकर्स को भी सिलबदी जब का जब जवाब देने की आपके भाई के अंदर ये सलाहियत है। मैं आपसे हाथ जोड़कर दरखास्त करना चाहता हूं कि आप इस आने वाले इस तारीख के इलेक्शन के अंदर मिल्लत के साथ इंसाफ कीजिए, ऐसे लोगों को वोट मत डालिए जो असेंबली के अंदर बात नहीं कर सकते। मैं आपके बीच में 2 बार शिकस्त होने के बावजूद मैं आपके भी आता रहा हूं, आप मिल्लत के साथ भी इंसाफ कीजिए, आपका ये भाई नासिर हुसैन उस्ताद आपकी आवाज बनकर लड़ रहा है, मेरे साथ भी इंसाफ कीजिए, करेंगे, मैं हिम्मत से रहूं। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया।